खात की क्रिकेट में भी हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं और अगर हम मैन क्रिकेट की बात करते हैं तो आप देखें कि जितने भी टूर्नामेंट गुजरे हैं पास्ट में हम उनमें भी बहुत पीछे ही जाते जा रहे हैं हमारे पास कोई ऐसी उम्मीद या कोई ऐसी तब्दीली भी हमने नहीं देखी है कि हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ हमारी क्रिकेट में बहुत बेहतर फैसले होने जा रहे हैं देखें कंपेयर हम नहीं कर सकते पाकिस्तान को विद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका आयरलैंड स्कॉटलैंड हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है

पाकिस्तान में डंके की चोट में कहने को तैयार हूं श्रीलंका और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है श्रीलंका बहुत ही स्ट्रॉन्वरफुल टीम है बहुत ही पावरफुल टीम है और एक होकर खेलती है हमारी लड़कियों में जो कप्तान है रिडा डारो उस तरह की कप्तानी नहीं कर रही है वो लड़की कर रही है ग्रुप बनती है मैं दूसरी बाबर को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है देखिए पाकिस्तान उमस टीम में बहुत ज्यादा ग्रुप बनती है और आलिया ऋषि आलिया जो रियाज है इससे बाहर गप्पे लगवा लें इससे बाहर बातें करवा लें इतने स्टंप्स, इतने स्टंप्स मिस किए हैं और स्टम्प जो हो गया वो लिया नहीं कैच हाथों से छोड़े मुंह से छोड़े इस आलिया रियाज ने बाहर बैठ के ऐसे शो करती है जैसे कोई नन्हे खान है कोई फन्ने खान है तो ये है जिन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट आपसे कहा था नामुमकिन है वो देखे चमारी अथा पत्थ द लोन मैन स्टैंडिंग की तरह अकेली राना टुंगा की तरह अकेली खड़ी रही अकेली डटी रही यार देखें पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है ना मुझे लग रहा है इनको क्रिकेट छुड़वा के ना घर के काम काज में लगाओ इनको जाके बच्चे पैदा करें इनको कोई जाके खाने वगैरह बनाए हांडी वगैरह क्रिकेट खेलने के बस की बात नहीं है है और यार तुम लोग पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ की शर्ट पहनी हुई है। हमारी वुमेन क्या करने गई है यार हमारी वुमेन को आपने देखा है सारे सोशल मीडिया पर हमारी वुमेन क्या कर रही है सेल्फिया ले रही है टिकटॉक बना रही है डांस कर रही है उनकी जो प्लेयर है जिसकी बात करते 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 थक गया भाई मैं आपने अगर मैच जीतना है तो आपने आउट करना है किसको आउट करना है आपने चिमारी को चिमारी को आपने जल्दी आउट करना है फिर जाके आपकी कोई जान छूटेगी फिर कोई बात बनेगी तो वो चिमारी ही जनाब इनसे आउट नहीं हुई चिमारी इनको ऐसी चिपक गई है पैवी लगा के, के उसका कैच भी छूटा उस स्टंप में भी देखें अब इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जनाब कोई अपील करें कुछ करें तो जब आप बार बार उसको चांसेस देंगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगी अभी इसी टूर्नामेंट में उसने सौ किया इस इस साल साल वो वो कर चुकी है है उसकी अभी ये तीसरी जय हिंद दोस्तों आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है दोस्तों लग रहा था कि शायद एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा लेकिन भारत तो जीत कर फाइनल पहुंच गया पाकिस्तान फिर से पिछले बार की तरह श्रीलंका के हाथों हार कर फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाए और इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है हालांकि अगर पाकिस्तान आज जीत भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता भारत में भारत के हाथ फाइनल में और वो बुरी तरीके से हारते लेकिन चलो जो भी उनका रोना धोना चल रहा है दोस्तों आप आखिर तक एंजॉय करिए मैं मिलूँगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए

में पहुंच गई वो है इंडिया एशिया कप पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा मैच है श्रीलंका की फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग कप्तानी और उनके ने बड़ा अच्छा काम किया है हमारी बयानों के हवाले से कोई काम नहीं है जुनेद और वसीम एक पेज पे नहीं है लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करती है अंडर प्रेशर लाती है उनको स्ट्रोक सिखाने का मकसद है जो क्रिकेट मेहनत करके लेके आई उनको क्या कोचिंग करेंगे पहले तो ये मुझे बताया सिंपल सवाल है कोचिंग की जाती है जब आपका ऑप्शन आप हो ग्राउंड के दरमियान इतना बिठा के इतना लेक्चर नहीं देते उनको पता है कि भाई हमने करना है अब हमारी लड़कियां अपन दादा लगा लो यार ये क्या है मतलब से... यार तो बातें इनसे यार बातें जब करेंगे ना ये लोग यकीन कर लो इंडिया को हरा देंगे हम ये ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे जब 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 खेलने की बारी आएगी तो चीजें आपके सामने है। खेलने की बारी आएगी तो भाईजान वन साइड हार के आ जाते हैं यार उनकी लड़के देख लो असल में बात पता क्या है उनकी जो लड़कियां ना उनके रोल मॉडल उन्हीं उन, के लड़के हैं मतलब कोई बुमराह को फॉलो करता है कोई विराट को फॉलो करता है कोई रोहित को फॉलो करता है मतलब वो बाहर नहीं जाती वो अपने लड़कों से सीखती हैं हमारी हमारी

लाइक like, अनम जिस तरह जिस तरह तबाही आपने अपनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर की की कोई सोच भी नहीं सकता दुनिया में किसके किसके साथ दोस्त कौन किसकी दोस्त मैं तो टीम में नहीं हूँ तो लेकिन सिलेक्शन बता देती आप क्योंकि देखने वालों को सिलेक्शन समझ नहीं आती बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप बताएंगे तो पता चलेगा निधा डाल लेके जा रही है दो तीन चार लड़कियां ले जाती यार द्वारा इनम को निजा डाल लेके गई ये ग्रुप है एक हाँ ये ग्रुप बन गया नहीं बन गया बन गया hmm. ग्रुप जो hmm. जो रूल कर wow. जो रूल कर कर रहा रहा है है कितने सालों से ये चेंज होती रहती है जिस जो ऊपर गया है मैंने ऐसा भी देखा है कि सबसे ज्यादा डर था आलिया से अमीन से आलिया से ज्यादा था क्योंकि ऑलराउंडर तो है उसको बॉल नहीं दे रही इंग्लैंड के खिलाफ बॉल दिया दो आउट कर गई किसी ने नहीं पूछा कि इंग्लैंड की मेन प्लेयर खेल रही थी उसने बॉल दिया कि कुट पड़ जाएगी वो दोनों को आउट कर गई किसी ने पूछा उसको कि तू इसको पहले बॉल क्यों नहीं देती रही किसी ने पूछा उसको कि ये स्कोर कर रही है तुमने उसको मैच बार बिठा दिया दोस्तों पाकिस्तान चलो स्कोर तो 10-15 रन पिच के हिसाब से कम बनाए थे लेकिन सेमीफाइनल और प्रेशर सिचुएशन में स्कोर बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था और शुरुआत भी पाकिस्तान के हिसाब से हुआ था दो विकेट श्रीलंका के जल्दी गिर गए थे लेकिन बाद में ख़राब फील्डिंग और एक स्टंपिंग हुआ था वो अपील नहीं किए ये सारे हरकतों के कारण जीते हुए मैच को एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तान ने हारा और श्रीलंका अपने होम कंडीशन में फिर से दोबारा लगातार एशिया कप फाइनल में पहुंच गया है अब देखना होगा क्या वो टक्कर दे पाएंगे फाइनल में भारत के हाथ मतलब भारत को या फिर भारत के हाथ वन साइडेड फिर आ, मतलब श्रीलंका हार जाता है और जैसे पिछले एशिया कप में हुआ था पिछले एशिया कप में पहले बैटिंग करते हुए फाइनल में श्रीलंका शायद एटी ही स्कोर बनाया था और भारत दस ओवर के अंदर चेंज कर लिया था लग ही रहा है कि भारत जिस फॉर्म में है अगर श्रीलंका मतलब बैटिंग करता है या फिर बॉलिंग भी करता है तो वो ये फाइनल भी वन साइडेड ही रहेगा दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों रुकता हूँ बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा नमस्कार जय हिंद